तो दोस्तों ये है सैमसंग गैलेक्सी टैब A8 जो कि मैंने मंगवाया है आपको रिव्यू करने के लिए। जल्दी से बॉक्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिल जाता है। ये रहा मेन यूनिट, सैमसंग A8 का मेन यूनिट है, इसको किनारे रखते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। क्योंकि ये ऑलरेडी ओपन था तो इसमें देखिए एक जो है छोटा ऐसा पर्ची मिल जाता है जिसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, सिर्फ वारंटी कार्ड है, कुछ पैकेज कंटेंट ऐसा कुछ है बस। किनारे किए इसको किनारे किनारे रखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि एक नॉर्मल से आपको चार्जर मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट है वो 1.55 एम्पियर है, यानी कि नॉर्मल से एक चार्जिंग पोर्ट, फास्ट चार्जिंग नहीं है दोस्तों ये, ठीक है। तो इसको किनारे रखते हैं हम लोग। उसके बाद और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, ये देखते हैं। ये देखिए केबल है, एक केबल सी टाइप केबल मिल जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद एक सिम इजेक्टेड ट्रोल मिल जाता है, बस इतना ही कुछ मिलेगा दोस्तों आपको। उसके बाद रखते हैं इसको किनारे। देखिए इसको मैं ओपन करता हूँ, इस तरह के एक छोटे से पैकेट में ये मिलेगा आपको। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी देखिए बेहद ही स्लीक डिज़ाइन है दोस्तों। ये देखिए कितना कमाल का ये लग रहा है दोस्तों। और मैं आपको वीडियो के अंत में बने रहिए क्योंकि मैं आपको इसका बनाने वाला हूँ प्राइस, जो कि काफ़ी आपको शॉकिंग लगेगा। या दोस्तों मैंने जो है इसको परचेज़ किया था फ्लिपकार्ट से और काफ़ी शॉकिंगली इसका प्राइस इतना कम है दोस्तों कि आप सुन करके आप काफ़ी जो है शॉक रह जाएगा। अगला जो टैब है इसमें आपको इस साइड में मिल जाता है एक पावर ऑन ऑफ बटन, ये वॉल्यूम रोकर है। पीछे में देखिए आप एक जो है मेन कैमरा दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बाहर निकला हुआ दिखता होगा आपको ये इस तरह से, जो कि अभी काफ़ी अच्छा फील कराता है। यहाँ पर एक सैमसंग की ब्रांडिंग है और इस साइड में आपको दो जो है स्पीकर मिल जाते हैं, ठीक है। दो स्पीकर इस तरफ मिल जाएंगे, दो स्पीकर आपको इस तरफ मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और देखिए इसका जो इसका थिकनेस देखिए दोस्तों कितना पतला है ये। मैं इसको कंपेयर करके दिखाता हूँ आपको, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा इसको मैं। तो देखिए ये देखिए एक पेन है जो कि 2 रुपये वाला पेन होता है, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसका थिकनेस। ये देखिए काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और मैं ये बता दूं कि सैमसंग का जितना भी टैब है सबकी थिकनेस इतनी ही है, चाहे आप 1 लाख का जो खरीदिए वो सैमसंग S8 Ultra, चाहे जो भी हो, सारा जो है S8 Ultra उसकी भी थिकनेस इतनी है, काफ़ी पतली होती है और काफ़ी अच्छा लगता है। ये स्लेट जैसा, जैसा मतलब बचपन में हम लोग स्लेट यूज़ करते थे वैसा ही है। चलिए अब आगे में जो है 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर एक यहाँ पर डुअल माइक मिल जाता है आपको। देखिए एक माइक यहाँ पर है, एक माइक आपको यहाँ मिल जाएगा। अब ये दोनों माइक क्यों हैं, क्योंकि कभी कभी हम लोग टैब इस तरह से फ़ोन की तरह यूज़ करते हैं तो ये माइक काम आता है, ठीक है। और कभी कभी हम लोग डेस्कटॉप मोड भी यूज़ कर सकते हैं इसमें, तो ये वाला माइक काम आता है। ये जो यहाँ पर कैमरा दिख रहा है ये डेस्कटॉप मोड के लिए, यानी कि डेस्कटॉप मोड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग बूट कर लेते हैं। ऑलरेडी ये बूटेड है, तो चूंकि मैंने बताया था आपको दो दिन यूज़ कर लिया है तो ऑलरेडी बूटेड है। इसको मैं वेक करता हूँ, डबल टैप कीजिएगा तो ये वेक हो जाएगा। फेस अनलॉक भी कर सकते हैं, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। स्वाइप करके जो है इसको ओपन कर सकते हैं बिल्कुल जैसे आप फ़ोन का यूज़ करते हैं, वैसे ही स्मूथ है दोस्तों। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि इसका जो स्क्रीन है ये TFT है, एमोलेड या सुपर एमोलेड नहीं है, ये TFT है। क्योंकि इतने कम रेंज में जो है ये TFT ही प्रोवाइड करेगा इतने बड़े स्क्रीन में। देखिए काफ़ी स्मूथ है इसका जो इंटरफेस है और टच भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। देखिए यहाँ पर अब आप तीनों चीज़ यहाँ पर है, इसको बैक बटन है, ये होम बटन है, ये मीनू है। तो इस तरीके से जो है आप सारे टास्क को जो है ऊपर स्वाइप करके क्लीन कर सकते हैं, हटा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने अभी जो है डेस्कटॉप मोड में यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसको मैं अगर इस तरह से कर दूँ तो ये जो है आपको आ जाएगा मोबाइल मोड में, ठीक है। इस तरह से आप स्वाइप करके कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे, यानी कि दोनों मोड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा लगा।
चलिए और आगे देखते हैं। तो अभी मैं इस तरह से करूँगा तो ये डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा, यानी कि लैंडस्केप मोड में जिसको कह देंगे। ठीक है, अब जो है इसमें बहुत सारे फीचर हैं। यहाँ से आप जिस तरह से फ़ोन में आप यूज़ करते हैं उस तरीके से यहाँ पर जो है सारे कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये चीज़ जो यहाँ पर ब्राइटनेस लेवल आप जो है बढ़ा घटा सकते हैं, ये अलग चीज़ है। अब एक चीज़ मैं और अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पर से जब मैं स्वाइप करता हूँ तो ये आता है, मतलब इधर से ओपन होगा, इधर से मैं जब स्वाइप करूँगा तो इधर ओपन होगा, यानी कि बोथ हैंड से आप ये काम कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ठीक है, उसके बाद देखिए कैमरा जो है डिसेंट सा है, काफ़ी मतलब ठीक ठाक कैमरा है। कैमरा जो है डिसेंट सा है, देख सकते हैं आप, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ज़्यादा बुरा भी नहीं है। बैक जो है 8 मेगापिक्सल का है, फ्रंट जो है 5 मेगापिक्सल का है, ठीक ठाक कैमरा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद इसमें वीडियो वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD में, यहाँ पर फुल HD और HD का सपोर्ट मिला हुआ है। ठीक है, ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर सारे जो सैमसंग जो यूज़ करते होंगे उनको पता होगा कि सारा चीज़ यहाँ पर जो भी सैमसंग में मिलता है सेटिंग, वो सारे सेटिंग यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, मिल जाता है। ओके, अब जो है दोस्तों इसका डिटेल रिव्यू मैं आपको दूंगा, अभी तो मैं अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, इसका डिटेल रिव्यू मैं दूंगा आपको, और जो है मैं दिखाऊंगा कि कितना स्मूथ है। अभी 2 मैंने इसको यूज़ किया है, मैं अभी और यूज़ करके इसका डिटेल रिव्यू करूँगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, इसका डिटेल रिव्यू चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ये मैं इसको आपको पूरा करके दिखाऊंगा।